5G घोटाला आपने सुन लिया होगा, हर घर तिरंगा अभियान में बीजेपी ने घोटाला कर दिया दोस्तों, ये सामने आ चुका है और मैं आपको तथ्यों के साथ पूरी जानकारी दूंगा, पूरी स्टोरी के बारे में बताऊंगा और बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। बीजेपी जो काम करती है, जो योजनाएं लाती है, जो अभियान चलाती है, उसमें बीजेपी खुद घिर जाती है। बीजेपी किसानों के लिए कानून लेकर आई, किसानों को समझ नहीं आया, किसानों ने जमकर विरोध किया। बीजेपी अग्निवीर स्कीम लेकर आई, युवाओं को समझ नहीं आया, युवाओं ने विरोध किया, कितनों की जानें चली गईं। तो दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी हमारे लिए, आपके लिए, देशवासियों के लिए लेकर आई है, लेकिन ये ना तो हमारे समझ में आ रहा है, ना तो आपको समझ आ रहा होगा, ना तो और लोगों को समझ आ रहा होगा। लेकिन हर घर तिरंगा अभियान में घोटाला सामने आ गया है दोस्तों। मैंने पहले ही वीडियो बना करके आपको बता दिया था, 11 लोगों को टेंडर दिया जा रहा है दोस्तों। 11 लोगों में से 7 लोग गुजराती हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी सीधा सीधा गुजरातियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अडानी अंबानी भी गुजरात से आते हैं। अडानी वही आदमी है, गौतम अडानी, जो दुनिया के सबसे बड़े चौथे अमीर आदमी बन चुके हैं दोस्तों। देखिए, दैनिक जागरण ने खबर छापी है, दैनिक जागरण ने क्या लिखा दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हर घर झंडा अभियान के तहत सभी रेल कर्मियों को रेलवे की तरफ से दिए जाने वाले तिरंगे की कीमत उनके वेतन से वसूली जाएगी। प्रति झंडा 38 रुपए की कटौती रेल कर्मियों के वेतन से होगी। हालांकि यह आदेश यूनियन नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया है दोस्तों। अब आप बताइए, 38 रुपए काटा जा रहा है, रेल कर्मियों का क्या गुनाह है? वे लोग तो पहले से देशभक्त है साहब, भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं। हालांकि रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है वो अलग चीज दोस्तों, आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत कर्मचारी लाभ कोष से रेलवे खरीद रहा तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में हर घर तिरंगा योजना का क्रियान्वयन 13 से 15 अगस्त तक होगा। इस दौरान हर रेलकर्मी अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। यह तिरंगा उन्हें रेलवे की ओर से दिया जाएगा, जिसके एवज में प्रति झंडा 38 रुपये चार्ज किया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों से यह पैसा नगद नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनके खातों से 38 रुपये की कटौती की जाएगी। अब आप बताइए दोस्तों, ये लोग नौकरी करते हैं, ये लोग नौकरी इसलिए करते हैं ये अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को अच्छे से पाल पोष सके। लेकिन हो क्या रहा दोस्तों, हो यही रहा है जो नहीं होना चाहिए था, हो यही रहा है। इन लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। देखिए, रक्षा सिंह हैं, ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने बकायदा ट्वीट किया है, ये दैनिक भास्कर में पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया 38 रुपए की वसूली की जाएगी। लेकिन दोस्तों, बीजेपी में कह रहा हूँ ना, बीजेपी अपने जाल में फंस चुकी है, बीजेपी ने घोटाला कर दिया है। बीजेपी जो है इसमें घोटाला ऐसे कर रही है, 38 रुपए को आप लोग याद करके रखिएगा। और देखिए, बीबीसी न्यूज ने खबर छापी है, बीबीसी ने छाप रखा है हर घर तिरंगा अभियान, में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। केंद्र सरकार ने इस अभियान के तहत तकरीबन 20 करोड़ घरों में झंडा फहराने का लक्ष्य रखा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के मुताबिक भारत में फिलहाल 4 करोड़ झंडे ही उपलब्ध हैं, बाकी झंडों का ऑर्डर राज्य या केंद्र सरकार को अपने स्तर पर बनवा कर बिक्री करने की जगह पहुंचाना होगा। बताइए, बिक्री करने की जगह पहुंचाना होगा। राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सरकार से भी राज्य की जरूरत के हिसाब से कुल झंडों की मांग कर सकती है या फिर अपने झंडों का इंतजाम कर सकती है। इस बार जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 38 रुपये काटा जा रहा रेल कर्मियों के खाते से, लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक झंडे 3 साइज में उपलब्ध होंगे, तीनों की कीमतें भी अलग अलग होंगी, 9 रुपये, 18 रुपये और 25 रुपये। झंडे की कीमत बता दी गई है 25 रुपए तक, लेकिन 38 रुपए किस चीज़ का काटा जा रहा है,
ये समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल घोटाले की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। सरकार उलूल जुलूल बयान दे सकती है, सरकार इस खबर को देखने के बाद बयान जारी कर सकती है दोस्तों, लेकिन 13 रुपए का घोटाला सरकार यहीं पर कर रही है। इस घोटाले का आरोप मैं लगा रहा हूँ पत्रकारिता में जितना मैंने सीखा है, पत्रकारिता में जितना मैंने पढ़ा है, घोटाले इसी तरीके से होते हैं। कागजों पर कुछ और होते हैं, सच्चाई कुछ और होते हैं। दोनों चीज़ें सरकार की हैं। सरकार कह रही है 9 रुपये, 18 रुपये, 25 रुपये इस तिरंगे की कीमत तय की गई है, तो 38 रुपये किस बात के लिए जा रहे हैं दोस्तों? देखिए, वही जो है टीएमसी नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट है साकेत गोखले ने इस पूरे अभियान को एक स्कैम यानी घोटाला करार दिया है। एक के बाद एक चार ट्वीट करके उन्होंने इस अभियान को मोदी सरकार के कॉरपोरेट घरानों से सांठगांठ करार दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए सरकार ने इंडियन फ्लैग कोड में भी बदलाव किए हैं। दोस्तों अब खुद बताइए आप, इंडियन फ्लैग कोड 2002 के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज केवल हाथ से बुने हुए या हाथ से बुने हुए कपड़ों की सामग्री से ही बनाया जा सकता है। इससे कम समय में ज़्यादा संख्या में झंडा बनाना आसान नहीं है, तो सरकार इसमें भी घोटाला कर रही है दोस्तों, आप लोग खुद समझिए। देखिए वही नहीं, झंडा आरएसएस और बीजेपी का विरोधाभास भी लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए भैया, आप लोग 2 तारीख से लेकर के 2 अगस्त बीत चुका है, लेकर 15 अगस्त तक आप लोग अपने डीबी पर जो भी फेसबुक ट्विटर इंस्टा यूज़ करते हैं आप लोग वहां पर तिरंगा लगा लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे का अपमान करते हुए लगा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपमान कर दिया, क्योंकि जो झंडे की साइज होती है प्रधानमंत्री मोदी ने उसका ख्याल नहीं रखा और तिरंगे का अपमान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया और लगा दिया, और ये बड़ा घोटाला दोस्तों होने ही जा रहा है। अब आप खुद बताइए दोस्तों, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैग कोड में बदलाव के लिए हुगली में खादी के झंडे बनाने वाले यूनिट को पिछले साल में 90 लाख झंडों के ऑर्डर मिले थे, लेकिन इस साल केवल 14 लाख झंडे के ऑर्डर मिले हैं दोस्तों। पिछले साल 90, 14 लाख, तो दोस्तों ये 20 करोड़ तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ समझना चाहिए आप लोगों को और हमको भी, कि जब तिरंगे को लहराया जा रहा है, तिरंगे को फहराया जा रहा है, तो क्या मोदी जी हैं जो बताते हैं कि तुम देशभक्त हो या नहीं हो? एक बड़ा सा घंटा लगा देना चाहिए मोदी को सबके घर में, कोई आए बजाए तुम देशभक्त हो, अच्छा तुमने घंटा नहीं बजाया ना तुम देशद्रोही हो, अच्छा तुमने घंटे की आवाज़ सुन करके तिरंगा नहीं लहराया ना तुम देशद्रोही हो, तुमने लहरा दिया तुम देशभक्त हो। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को लगा घंटा लगा देना चाहिए। हालांकि जो बयान रेलवे कर्मचारियों की ओर से आया है, रेलवे कर्मचारियों ने साफ कहा, साहब हम लोग तो भारतीय रेलवे में काम करते हैं, हम लोग तो पहले से ही देशभक्त हैं, हम लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी हैं साहब, कमाने के चक्कर में 7 गुजरातियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया दोस्तों। घोटाले का सच इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग सामने लाकर रहेंगे दोस्तों। और कितने का घोटाला हुआ है इसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे, क्योंकि शुरू से ही हम कह रहे हैं इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है। 5G में घोटाला तो आपने देख लिया, और अब तिरंगे में भी बड़ा घोटाला होने जा रहा दोस्तों। आप लोग नेशनल दस्तक को लगातार देखते रहिएगा दोस्तों, तो घोटाले का सच भी मैं एक दिन सामने लाऊंगा, कितने का घोटाला ये लोग हर घर तिरंगा अभियान में करने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।